हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप स्वागत करता हूँ हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सबमिट में। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अपने पत्नी का जमीन अपने नाम पर कैसे करना है। मान लीजिए आप उनके पति हैं अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, या दोस्तों उनके अगर आप बेटे हैं तो अपने जो भी माँ का जमीन है अपने नाम पर कैसे कराना है। तो मेरा ये कंडीशन है कि अगर पति जिंदा है तो, अगर पत्नी डेट कर गई है तो, नहीं डेट करी है तो भी जो जमीन का रिकॉर्ड है वो अपने नाम पर कैसे करना है, पूरी जानकारी यहाँ पर बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा कि जो मैं बात आपके पास रख रहा हूँ उस बात को अगर सटीक ध्यान से सुनिएगा, आपको 100% समझ में आएगा कि बात क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेरा मेन टॉपिक है, जो भी आपकी पत्नी का जमीन है वो अपने नाम पर कैसे करना है, यही मेरा टॉपिक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दो कंडीशन में बताऊंगा। यहाँ पर आप उनके पति हैं तो ही ये कंडीशन आपको देखना है और सुनना है। ठीक है, तो फाइनली आपको बात समझ में आ जानी है। देखिए यहाँ पर दो, एक कंडीशन ये है कि अगर आप उनके पति हैं और जो भी अपनी पत्नी का जमीन है अपने नाम पर कैसे करना है, वो लोग इस वीडियो को देखकर आप अपना काम करा सकते हैं। साथ में अगर आप जो भी आप उनके मतलब लड़का हैं तो भी इस वीडियो को देखकर आप अपना करा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर पति का बताऊंगा उसी तरीके से वहां का छोड़कर अपने नाम पर डायरेक्टली करा सकते हैं, जैसे मैं वीडियो का प्रोसेस है। ठीक है, तो मैं पति को लेकर बता रहा हूँ, आप बेटा है तो भी आप इस वीडियो को फॉलो कर ले, आपका पूरी तरीके से हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए जो भी यहाँ पर पत्नी का जमीन है, मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, देखिए दोनों स्टेज में बताने वाला, अगर पत्नी जिंदा है तो भी, मर गई है तो भी, दोनों कंडीशन में आपको सुनना होगा, तभी जो जमीन है वो अपने नाम पर करा सकते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि बहुत ओल्ड हो जाते हैं, आपकी पत्नी अगर डेट कर जाती है, उनके नाम पर कहीं भी खरीद बिक्री हुआ रहता है, जमीन जो भी घरे का कब्जात है उनके नाम पर हो जाता है, अगर मर जाती है तो कहीं भी कुछ नहीं करना रहता है। अगर वो मर जाती है कुछ नहीं करना रहता है, पूरा वहां का मृत्यु प्रमाण पत्र अपनी पत्नी का बना लेना होता है, साथ में जमीन का कागजात लेना होता है, रसीद जो भी आपके पास प्रूफ है, केवाला वगैरह लेकर अपने सब रजिस्ट्री ऑफिस जाया जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं जिला निबंधन कार्यालय, वहां पर जाया जाता है। वहां पर जैसे ही जाएंगे किसी भी एक वकील से मिलकर आपको ये सब बात बताना है, वहां पर पूरी तरीके से रजिस्ट्रार ऑफिस, रजिस्टर डीड, डीड की तरह ही बनाएंगे लोग। डीड किसको बोलते हैं, जो जमीन का दस्तावेज बनता है, केवाला बनता है, उसी तरीके से आपको बनाएंगे, कौन सा खाता है, कौन सा प्लॉट है, कितना आपका रकबा यानी कि कितना आपका जमीन है अवेलेबल, डिसमिल कट्ठा एकड़ जिसमें भी लिखवाना चाहते हैं वहां पर लिखवा सकते हैं, धूर में भी लिखवा सकते हैं। तो पूरी तरीके से उस जमीन को वो क्या करेंगे, लिखवा देंगे, नोटरी करा के दे देंगे। आप क्या करेंगे, पूरी तरीके से ऑनलाइन नोटेशन के माध्यम से जो भी जमीन है अपने नाम पर करा सकते हैं, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है अगर डेट कर गई है तो। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो भी आपकी पत्नी है उनके अगर वो जिंदा है फिर भी आप अपने नाम पर कराना चाहते हैं, जो भी उनका, मान लीजिए कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जो भी आपका पत्नी का जमीन है, कभी कभी वहां का जमीन लेना है, वहां का प्लॉट लेना है, मकान लेना है, तो मैं अपने पत्नी के नाम ही ले लेता हूँ। फिर बाय द वे बाद में क्या होता है, क्या मुसीबत आ जाता है कि जो भी जमीन है वो अपने नाम पर करना है। तो दोस्तों यहां पर बता दो कि जो भी आपकी पत्नी है अगर वो अभी जिंदा है, उनके नाम पर जमीन है, तो आप लाख कोशिश करने के बाद भी उस जमीन को नहीं ले सकते हैं। हाँ, बशर्ते एक कंडीशन में उस जमीन को ले सकते हैं, उसकी उनकी रजामंदी होना चाहिए कि मैं जमीन अपने पति को दे रही हूँ, वो बंटवारे के थ्रू आ जाएगा, जो भी जमीन का है फिर से यहाँ पर लिख देगी, साइन कर देगी और उसी डीड के माध्यम से बस बंसावली लगाकर अपने पति के नाम पर हो जाता है। बस रजामंदी होना चाहिए, रजामंदी कहने का मतलब एक आवेदन लिख देना है, आवेदन लिखने के बाद वही दस्तावेज जो पहले वो खरीदी हुई है उसमें अटैच करके ऑनलाइन म्यूटेशन के माध्यम से कर्मचारी सीईओ से मिलकर आप अपना करा सकते हैं, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो सभी लोग का प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो गया पूरी तरीके से। अब नहीं कमेंट कीजिएगा इस बारे में, अगर कोई भी और भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो की।